सो हे गाइस, वेलकम बैक होगा फिर से आपका गेमिंग का नाम है सो भाई लोग। आज हम हमारे GTA 5 के अंदर लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका 2023 डालने वाले। भाई काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, काफ़ी मस्त है भाई। तुम लोग देखो यहाँ, चेकआउट करो कितनी प्यारी लग रही है भाई। अपनी GTA 5 के अंदर भी काफ़ी बढ़िया लगेगी, चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई फटाफट इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम ये पहली बार मोडिंग का वीडियो देख रहे हो GTA 5 से रिलेटेड, या मोड पहली बार तुम देख रहे हो, मोड करना चाह रहे हो अपने GTA 5 को, तो तुमको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम ये सारी व्हीकल्स वगैरह या मैंशन वगैरह जो भी वीडियोज़ तुम देखते हो वो डाल पाओगे, ठीक है। तो एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। बेस क्रिएट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो चेकआउट कर लेना। इसके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपरली डिटेल में बता रहे कि ये आपको ओपन आई वी स्क्रिप्ट हुकवी .NET मेन्यू नेट यू आई, ये बेसिक से फाइल है जो आपको बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, इसके बिना मॉडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये बेस से ये क्रिएट करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फाइल्स तुम इंस्टॉल कर लेना ये वीडियो देख के, ठीक है। और एक और वीडियो ये वाला है, ये चेकआउट कर लेना। इसके अंदर गेम कॉन्फ़िग फाइल है, पैडजस्टर वगैरह है, ये काहे के लिए होती है भाई, ये आपके गेम को क्रैश होने से बचाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मोड कर रहे हो, जाहिर सी बात है मोड कर रहे हो तो आप काफ़ी सारे मोड्स डालने वाले हो, काफ़ी सारे गाड़ियाँ डालना चाहते हो, डालोगे मेंशंस वगैरह डालोगे तो गेम क्रैश होगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए तुमको ये फाइल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, ये डालने से तुम्हारा गेम क्रैश नहीं होगा, ठीक है। और ये भाई जिनका पेड है उनके लिए प्रॉपरली वर्क करेगा, जिनका क्रैक्ड बहुत पुराना वर्जन है तो उनका वर्जन मिलना मुश्किल है गेम कॉन्फिग फाइल का, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो या तो लेटेस्ट वर्जन का कोई सा क्रैक्ड वगैरह तुम डाउनलोड कर लो और उसमें मोड्स वगैरह इंस्टॉल करना, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा मोड की, तुम वहाँ से जाके ये पेज पे आ जाओगे। पेज पे आने के बाद तुम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने भी डाउनलोड कर लिया, तुम भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद हम हमारा डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद तुमको दिख रहा है हमारी टेक्निका नाम की एक फाइल आ चुकी है, रॉ फॉर्मेट है। जिस तरह से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को विनरार या फिर 7-Zip दोनों में से कोई सा एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप फाइल को एक्सेस कर पाओ, एक्सट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो भाई ये पेपर जैसा आइकन होगा, आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं। तुम सिंपली गूगल पे जाके सर्च करोगे तुमको मिल जाएगी, तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, तुम लोग भी एक्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद इसको ओपन करके देखते हैं, टेक्निका नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमें dlc.rpf फाइल है, मतलब इसका मैनुअल इंस्टॉलेशन जो एड ऑन प्रोसेस होती है ये वाली प्रोसेस है। तो कैसे करना है हम हर वीडियो में करते हैं, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में यही प्रोसेस होती है, ठीक है। सो इसको डालना सीखेंगे वापस से, जो नए लोग हैं उनको भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सो हमारे ये वाला जो टेक्निका नाम का फोल्डर है जिसके अंदर dlc.rpf फाइल है, हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ओपन आई वी के अंदर, अपने dlc पैक फोल्डर के अंदर, ठीक है। ओपन आई वी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जिन लोगों ने अभी तक नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो उन लोगों को नई नई चीज़ें दिख रही होगी ओपन आई वी क्या आती है। ये सब चीज़ें तुम बेस वाला जब तुम वीडियो देखोगे, बेस क्रिएट कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा ओपन आई वी ओपन हो चुका है। ओपन आई वी ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ से एडिट मोड पर क्लिक कर देना, अदरवाइज आपके ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगी, चीज़ें एडिट नहीं कर पाओगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज़, आपका गेम पीछे बैकग्राउंड में रन में नहीं होना चाहिए, रनिंग में नहीं होना चाहिए। गेम चालू होगा तो आपकी जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगी, आपको एरर आएगी कि भाई आपके पीछे आपका गेम चालू है, जो फाइल आप डालना चाह रहे हो उससे रिलेटेड फाइल्स पीछे रनिंग है, तो उनको पहले क्लोज करो, उसके बाद आप अपनी मॉडिफिकेशन करो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, एडिट मोड पर क्लिक होना चाहिए और गेम पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अब हमको क्या करना है, ओपन आई वी में हमारा जो GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, ओपन हो गई है तो भाई हम क्या करेंगे, DLC पैक फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। हमको मोड फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, मोड फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अपडेट नाम का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाने के बाद x64 और ये हमारा DLC पैक फोल्डर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया भाई ये फोल्डर है, इसको उठा के सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्यों करेंगे वाला, क्योंकि इसका ना dlc.rpf फाइल है, कोई भी मोड अगर तुम डाउनलोड कर रहे हो उसको तुमको इंस्टॉल करना है, उसके अंदर dlc.rpf फाइल है फोल्डर के अंदर, तो सिंपली यही प्रोसेस होगी कि तुमको DLC पैक के अंदर ये फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एक कोड ऐड करना है। तो अभी भाई वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो तुम्हारी इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि अभी एक प्रोसेस बाकी है, अभी हमें एक कोड ऐड करना रहेगा, उसके अंदर कोड नहीं दे रखा है, कोड कैसे बनाना है तो वो तुमको सीखना पड़ेगा, वो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करना, प्रॉपरली सारे स्टेप फॉलो करना ताकि तुम्हारे प्रॉपरली सारे मोड अच्छे से चल पाए, ठीक है। सो भाई मैं क्या करता हूँ, वापस GTA 5 की मेन डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, वापस हम यहीं से dlclist.xml वाले पाथ पे जाएंगे, क्योंकि जो कोड है वो dlclist.xml जो फाइल है उसके अंदर डलेगा, वो कहाँ मिलेगा बताता हूँ, ठीक है। मोड फोल्डर पे जाएंगे, हमारी मेन डायरेक्टरी ओपन, इसके अंदर मोड फोल्डर के अंदर गए, मोड फोल्डर के अंदर जाने के बाद अपडेट नाम का फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर हमको मिलेगा अपडेट डॉट आर पी एफ, अपडेट डॉट टू आर पी एफ,
हमको जाना है अपडेट डॉट आर पी एफ के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद हमको जाना है कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर, देन डेटा नाम के फोल्डर के अंदर। देन नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे तुमको मिलेगा एक्सएमएल टेक्स्ट नाम का सेक्शन, उसमें सेकंड या थर्ड नंबर पे तुमको डी एल सी लिस्ट डॉट एक्सएमएल नाम की फाइल मिलेगी। ठीक है, ये रही भाई थर्ड नंबर पर, ये रही। इसको सिंपली राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देंगे। अब भाई बहुत सौ के साथ ये दिक्कत होगी, जिन लोगों ने स्किप किया है उनके साथ ये दिक्कत होगी। ठीक है, ये एडिट मोड एनेबल नहीं किया होगा तो तुमको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपली देखो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ ओपन होगी, आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो लोग भाई पीछे बैकग्राउंड में गेम को चालू करके बैठे हैं कि हम मोड्स वगैरह डाल लेते हैं और साथ ही साथ में टेस्ट कर लेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो अगर तुम इसमें एडिट करके ओपन कर लोगे, ऐड भी कर दोगे, बट जब सेव करने जाओगे तो तुमको एरर आ जाएगा कि बैकग्राउंड में आपका गेम रनिंग है, तो उसको क्लोज करो, उसके बाद आप ये सेव कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ों का मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हारी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब भाई हमें कोई कोड नहीं दे रखा है, हमको कैसे बनाना है? ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, कोई सा भी लास्ट वाला भाई कोड उठा लो, लास्ट वाला जो भी तुमको करना हो, सब सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आके एंटर मार के नीचे आया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद तुमको दिख रहे होंगे सारे कोड जैसे एकदम सेम है। ठीक है, बस क्या चेंज है, ये जो नाम नहीं वाला एड ऑन पैड्स लिखा है, IC300GR लिखा है, पैड्स हल्क लिखा है, तो ये सिर्फ यही चेंज होगा नाम। ठीक है, अब ये नाम कहाँ से लेके आए, तो बहुत सिंपल है, जो हमने फोल्डर डाला है DLC पैक फोल्डर के अंदर हमने डाला है टेक्निका नाम का जो फोल्डर आ रहा है, जिसके अंदर DLC.RPF फाइल थी, तो भाई ये जो जिस DLC.RPF फाइल जिस फोल्डर में थी, उस फोल्डर का नाम क्या है, टेक्निका। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एड ऑन पैड्स की जगह आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, स्लैश है ना, स्लैश के बीच में ही नाम रहेगा, इसको भी नहीं तुमको डिलीट करना है, इसको भी नहीं इरेज करना है, या किसी और कोड का कोई ब्रैकेट वगैरह ऐड नहीं करना है, या कुछ अपने मन से कुछ दूसरी चीज़ मत करना, अदरवाइज गेम में ग्लिच हो सकता है, एरर आ सकता है, गेम क्रैश हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कोड बन गया। क्या हुआ भाई, बहुत सिंपल था, ये नाम था इसका, जिस फोल्डर के अंदर DLC.RPF फाइल थी उसका नाम कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, बट टाइप करने में कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, बहुत ईजी, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। भाई हमारी अभी जो गेम है, सॉरी हमारी जो कार है भाई, टेक्निका, हमारी लैम्बोर्गिनी हुराइकन टेक्निका, ये इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, सो हम हमारा गेम लॉन्च करके भी देख लेते भाई कि हमारी गाड़ी आई है या नहीं। उसके पहले तुम मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे तगड़े मोड्स के वीडियो मिल जाएंगे, रोज़ में कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे मोड्स के वीडियो लेके आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। और अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देख के अपने GT5 के अंदर मोड कर पा रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि तुमको सारे अपकमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे, और कुछ एंटरटेनमेंट के वीडियोस वगैरह भी, वो भी आप लोग देखना, मेरे को फीडबैक देखना कैसा क्या है। ठीक है, सो फटाफट काम करते हैं, हमारा गेम लॉन्च करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। ओके गाइस, सर हमारे GT5 के अंदर एंटर हो चुके भाई, तुम देख रहे हो अपना माइकल भाई अपने लैम्बोर्गिनी के साथ खड़ा है, और आयकन भाई टेक्निका भाई, कितनी तगड़ी लग रही भाई, कितनी प्यारी लग रही गाड़ी ये, तुम इसका इंटीरियर भी देखो, साउंड भी सुनो भाई, बहुत ही तगड़ी और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये, देखो भाई भाई साहब बहुत ही प्यारी है भाई, इसका इंटीरियर वगैरह भी बहुत मस्त है। ओके, तो इसको स्पॉन करना देख लेते भाई, कैसे स्पॉन करना है, इसको हम मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, एड ऑन व्हीकल स्पॉनर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली एड ऑन व्हीकल स्पॉनर यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ईजी है यूज़ करने के लिए। तो तुम लोगों को मेन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन्यू के लिए तुमको सिंपली F8 दो बार प्रेस करना है, जिनका सिस्टम है और जिनका लैपटॉप, उनका FN+F8 प्रेस करना है। ओपन होने के बाद तुमको आ रहा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखने के बाद भाई तुमको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे तुमको दिखा व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल ऑप्शन के अंदर तुमको सेकंड नंबर पे दिखा व्हीकल स्पॉनर, व्हीकल स्पॉनर के अंदर तुमको यहाँ पे मिल जाएगी सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, तो हमारी भाई ये कार है, सुपर कार की कैटेगरी में आती है, तो सुपर कार के अंदर जाके देख लेंगे, टेक्निका के नाम से होगी। ठीक है, और अगर इसमें नहीं मिलेगी तो हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सर्च कर ले, T20 नहीं है ये रहा, ओके टेक्निका TD8 करके है भाई, ये देखो भाई। ठीक है, इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो तुम, व्हीकल ऑप्शन में तुमको मिलेगा नीचे मेन्यू का स्क्रीन, उसके अंदर पेंट्स नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह जाके तुम तुम्हारे जो तुमको कलर चाहिए वैसे तुम कलर डाल सकते हो, मैट, क्लासी, मेटलिक, रेड, जो भी तुमको चेंज करना तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ये वाला ले लिया, अभी नियॉन टाइप का कलर, ये रहा भाई,
ये रहा, ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर येलो कलर ही बहुत तगड़े लगते हैं। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या, अगर F5 तुमका एडन व्हीकल स्पॉनर यूज़ कर रहे हो, अगर वो इंस्टॉल करना हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। F5 प्रेस करोगे, तो तुम्हारा ये सही ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी कैटेगरीज दे रखी है और यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या, इसके अंदर जो गेम के व्हीकल्स डिफॉल्ट वाले और जो आप इंस्टॉल करते हो अपनी खुद की गाड़ी या रियल कार्स, वो दोनों भाई सेपरेटेड है, तो काफ़ी इजी हो जाता है ढूंढने के लिए। से SUV में जाऊंगा तो जो मैंने इंस्टॉल करके वही बताएगा भाई। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने एक की अपनी लैंड क्रूज़र वगैरह डालना बताई थी, तो ये तुम चेकआउट कर सकते हो, तुमको चेक करना हो तो। और एक VIP प्रोटोकॉल भी बनाया था हमने हमारे लैंड क्रूज़र को यूज़ करके। ठीक है, सो तुम भी अपनी GT5 के अंदर सब डाल के काफ़ी बढ़िया मज़े कर सकते हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।